आज प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंतर्गत हम देखना चाहते हैं कैसे हम टास्क बार को एक तरफ से उठा के दूसरी तरफ रखते हैं या फिर टास्क बार को हाइड कैसे किया जाता है। आज प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम टास्क बार से रिलेटेड देखते हैं। ये माउस का तीर जब हम टास्क बार पे लाते हैं तो ये टास्क बार के ऊपर की स्क्रीन को हम डेस्कटॉप कहते हैं और डेस्कटॉप के नीचे की भाग को हम, जैसे ये जो एक स्टेट पैनल नज़र आ रही है, इसे हम टास्क बार कहते हैं। तो माउस के पॉइंटर को हम टास्क बार पे लाते हैं, टास्क बार पे जैसे ही राइट क्लिक करते हैं एक ग्राफ खुलती है, हमें नज़र आता है प्रॉपर्टीज़। हमने जैसे ही प्रॉपर्टीज़ पे दबाया फिर एक ग्राफ खुली, हमारे ऊपर एक स्क्रीन नज़र आती है टास्क बार से रिलेटेड। टास्क बार अपीयरेंस नज़र आता है, सबसे ऊपर लिखा रहता है लॉक द टास्क बार, ऑटो हाइड द टास्क बार, यूज स्मॉल आइकन। हम आपको सिस्टम वाइज बताना चाहते हैं कि सबसे पहले ईजी स्तर से दिखाना चाहते हैं टास्क बार लोकेशन। लोकेशन का हिंदी होता है दिशा। जब आपने देखा कि ऑटोमेटिक टास्क बार बॉटम पे नज़र आता है, जब हमने एरो पे क्लिक किया तो हमें चार ऑप्शन नज़र आए, टॉप राइट लेफ्ट और बॉटम। जब हमने टॉप पे दबाया फिर हमने अप्लाई पे क्लिक किया तो हमने देखा कि टास्क बार मूव होके ऊपर की ओर जाती है। इसी तरह आप चाहते हैं कि फिर वो नीचे आए तो बॉटम यानी नीचे, अप्लाई जैसे ही करेंगे तो नीचे आ जाएगी। अगर लेफ़्ट में जाना चाहते हैं तो फिर इस तरह से लेफ़्ट होगी, फिर अप्लाई करेंगे वो लेफ़्ट में, फिर हम इस तरफ गए, फिर हमने राइट दबाया, फिर हमने अप्लाई की वो राइट की तरफ। आप देखिए कि अभी यहाँ लॉक द टास्क बार लिखा हुआ, जिसकी वजह से हम यहाँ मूव नहीं कर पाते। अगर अनलॉक कर दे फिर अप्लाई कर दे फिर हम इसे मूव करें तो देखिए डायरेक्ट अंदर जाने की ज़रूरत ना पड़ी, वन टाइप डायरेक्ट हो गए। इसी स्तर से देखा जाए तो फिर आपने नॉर्मल ऐसे कर दी। तो आप देखिए कि अगर आप किसी भी टास्क बार को मूव कराना चाहते हैं तो टास्क बार पे राइट वाला बटन दबाते ही आप देखिए यहाँ लॉक द टास्क बार अन हाईलाइट है, इनको आप क्लिक कीजिए या फिर प्रॉपर्टीज में जाके क्लिक कीजिए, बोथ आर सेम, दोनों एक ही जैसा वर्क करता है। लॉक द टास्क बार आप बाहर से भी लगा सकते हैं, अंदर से भी लगा सकते हैं। हमने लॉक लगा के जैसे ही अप्लाई कर दी, आप जब इसे मूव कराना चाहते तो ये मूव नहीं होती क्योंकि ये लॉक द टास्क बार लॉक लग चुकी है। अब अनलॉक करके अप्लाई करेंगे, अब इसे मूव करते हैं, देखिए मूव हो रही है, फिर नीचे करना चाहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप से, फिर नीचे हो गई। दूसरा ऑप्शन नज़र आता है ऑटो हाइड द टास्क बार। हाइड का हिंदी जबान होता है छिपाना टास्क बार को। जैसे ऑटो हाइड द टास्क बार पे हमने अप्लाई किया तो देखिए हमारी टास्क बार छिप गई। इतना याद रखना है कि टास्क बार डेस्कटॉप के चार ही दिशा में जा सकते हैं, या तो टॉप या लेफ्ट या राइट या बॉटम, चार ही दिशा पे छिपता है, दूसरी तरफ नहीं छिपता। ऑटो हाइड टास्क बार पे क्लिक करके फिर अप्लाई करेंगे तो फिर वो वापस आ जाएगा। आसान विधि, जिस तरह से फ़ैन का बटन ऑन करने पे फ़ैन चालू होता है, फिर अगर बंद करना हो तो फिर उतनी गति से उतनी दूरी पे जाके फ़ैन का स्विच ऑफ करते तो फिर वो बंद होता, फिर उसी स्विच को ऑन करने से फ़ैन चालू होता है। ठीक इसी प्रकार भविष्य में अगर आप सपोज भूल जाते हैं कि टास्क बार कैसे लाया जाए या हटाया जाए, तो याद रखना कि टास्क बार पे राइट क्लिक, प्रॉपर्टी जैसे ही दबाते हमें नज़र आता है ऑटो हाइड द टास्क बार, हाइड क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे तो वो छिप जाता है, फिर उसे वापस लाएंगे, उसी विधि से जाएंगे, फिर उसी विधि से वापस आता है। नीचे ऑप्शन नज़र आ रहा है यूज स्मॉल आइकन। यूज स्मॉल आइकन का मतलब टास्क बार के लेफ्ट साइड में जो भी ये नज़र आ रही है पट्टी, जो भी नज़र आ रही है स्मॉल आइकन, अपने यूज स्मॉल आइकन्स पे क्लिक किया, अप्लाई किया तो देखिए स्मॉल आइकन्स हो गए। पता ये चला टास्क बार के लेफ्ट साइड में जो ग्राफ नज़र आ रही है वो लेफ्ट आइकन्स के रूप में जानी जाती है। आपने फिर अनचेक क्लिक किया, फिर अप्लाई क्लिक कर दी, फिर ओके कर दी, जिस तरह से था उसी तरह से आ गया। इससे साबित हो गया कि टास्क बार में आपने मूव करने की विधि सीखी। टास्क बार पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाने के बाद हमने टास्क बार से रिलेटेड लॉक द टास्क बार, ऑटो हाइड द टास्क बार, यूज स्मॉल आइकन, टास्क बार लोकेशन। लोकेशन में चार ऑप्शन आते हैं बॉटम लेफ्ट राइट टॉप। यूज स्मॉल आइकन्स का हिंदी जबान होता है, स्मॉल का हिंदी जबान छोटा होता है, ये जो लेफ्ट साइड नज़र आ रही है इसे आप स्मॉल आइकन्स के रूप में कर सकते हैं। ऑटो हाइड का मतलब टास्क बार को छिपा देना। लॉक द टास्क बार की वजह से आप मूव नहीं करा पाएंगे, फिर अनलॉक रहेगा तो वो मूव होता है। आपने आज टास्क बार से रिलेटेड वर्णन देखा।